اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا إبراهيم عليه السلام کی اور

और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाए उनको फलों में से रिस्क फरमा, खाने पीने को भी हो ताकि सुकून से काम कर सकें आगे अब पहले उन्होंने ही जनरली कहा था अब यहाँ खुद ही एहतियात की कि जो ईमान लाएं बस आप उनको ये फल और ये सब कुछ दें तो अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया कफर कालामन कफरन जिसने कुफर किया उसको भी मैं थोड़ा सा फायदा दे दूंगा सारी दुनिया भी किसी को दे दी जाए और अगर इस्लाम की नेमत नहीं तो वो थोड़ा ही फायदा है फिर उसको आग के अजाब की तरफ मजबूर करूंगा आखिरत में और वो कितनी बुरी जगह है लौटने की यानी दुनिया से वहां वापस जाके आप देखिए कि जब इंसान एक सफर से वापस जाता है क्या दिल चाहता है आराम करे दुनिया की मशक्क़तों से बीमारियों से तकलीफों से निजात पा के इंसान जब मरता है और आगे आग भड़क रही हो तो क्या हाल होगा सिर्फ ईमान और अमले साले के साथ ही इंसान मर के चैन पा सकता है वरना सिर्फ दुनिया की मुसीबतों से भागने के लिए इंसान कह के खुदकुशी कर लूं या मर जाऊं या मरने की दुआ करे तो ये दुरुस्त नहीं अब तो कहते हैं कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे तो इसलिए फिक्र उसकी करनी चाहिए तो बहरहाल इब्राहिम की अल्लाह ताला ने ये दुआएं भी कबूल कर ली ये शहर अब अमन का गहवारा है टेंशन फ्री जोन है और वादी गैर जीजर जहां कुछ नहीं उगता कुछ ना उगने के बावजूद हर मौसम के फल और सब्जियां हर तरह की नेमतें दुनिया भर से वहां से मटाती हैं इंसान हैरत में डूब जाता है और फिर ये रिस्क सबके लिए है दुनिया का रिस्क अल्लाह ने मोमिन काफिर सबको दिया है लेकिन आखिरत सिर्फ ईमान के साथ है वर्फा इब्राहिमायदिन व इसमाइल रबना तकबल मन्ना इन्न काम और जब इब्राहिम और इसमाइल उस घर की बुनियादें ऊंची कर रहे थे बुनियादें तो फरिश्तों ने डाली थी ना शुरू से ही सबसे पहली तामीर फरिश्तों की थी जमीन पर इस घर को बनाने की कहा जाता तूफान नूह में बुनियादे रह गई थी ऊपर से सब ढह गया था घर तो फिर कई दफा तामीर हुई और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर तामीर किया अपने बेटे के साथ मिलकर और वो दुआ कर रहे थे ऐ हमारे रब हमसे ये अमल कबूल फरमा ले बेशक तू ही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है सुभान बाप का बेटे को नेकी के काम में शरीक करना खुशकिस्मत है वो बच्चे जिनके बाप उन पे तवज्जो देते हैं और बाप उनको मस्जिदों में ले जाते हैं इसलिए सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं बल्कि मस्जिद में वॉलंटियर करने के लिए यंग बच्चों को साथ लाना चाहिए अब क्या होता है हमारी मस्जिदों में बूढ़े बूढ़े लोग जो रिटायर हो गए हैं या जिनकी जॉब्स नहीं है वो फिर भी आ जाते हैं और बच्चे मॉल्स में फिर रहे हैं लेकिन जाहिर है अगर आप बड़े होकर उन्हें पकड़ेंगे तो वो तो फिर मुश्किल हो जाती है ना बचपन से ही छोटे होते ही उनको मस्जिद का मजा देना चाहिए ताकि वो शौक से आया करें मोहब्बत से आया करें लाते रहें, और फिर आप देखिए स्कूल छोड़ने जाते हैं लेने जाते हैं तो मस्जिद भी अल्लाह का घर है यहां भी लाने की फिक्र किया करें और छोड़ने की फिक्र किया करें और मस्जिद की ताजीम बताएं मस्जिद का लाने से पहले उसका अदब बताएं उसमें आने का सवाब बताएं फायदा बताएं और फिर कहीं पर मस्जिद तामीर हो रही हो तो फंड रेजिंग में सिर्फ खुद ही नहीं बच्चों से भी दिलवाएं ये आप डालेंगे ये आपका हिस्सा है ये आपकी तरफ से ये आपकी तरफ से हती कि जो बच्चे फौत हो जाए या जो वालदा उनकी तरफ से भी डालें क्योंकि मस्जिदों की आबादी के लिए और मस्जिदें बनाने के लिए जाहिर है कि फंड्स तो चाहिए होते हैं तो उसमें हिस्सा डालना वो एक बेहतरीन है। तो दोनों ने मिलकर तामीर की इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहिम को ख्याल आया तो उन्होंने अपनी बीवी सारा से फरमाया मैं अपने छोड़े हुए बच्चे को देखना चाहता हूँ चुनाचे आप तशरीफ़ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से जमजम के पीछे मुलाकात हो गई जो अपने तीरों को दुरुस्त कर रहे थे उन्होंने फरमाया इस्माइल बेशक तुम्हारे रब ने मुझे हुक्म घर तामीर करूं करूँ सलाम ने कहा अपने रब फरमा बरदारी कीजिए अतः रबक उन्होंने फरमाया उसने हुक्म दिया कि तुम भी इस तामीर में मेरी मदद करो अर्ज किया मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं जैसे आप कहें चनाचे दोनों उठ खड़े हुए इब्राहिम और इसमाइलम मीर कर रहे थे इस्माइल पत्थर पकड़ाते थे और दोनों दुआएं भी मांगते थे रब्बना तकबल मिन्ना इन्ना का अंत समय अलीम इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब दीवारें ऊंची हो गई और राहीम पत्थरों की नकलो हरकत से आजिज़ हो गए तो वो मकाम इब्राहिम पर खड़े हो गए इस्माइल उन्हें पत्थर उठा कर देने लगे और साथ साथ दोनों दुआ कर रहे थे रबना तकब्बल मन्ना इन्नकान तस्मी तो आप भी जब मस्जिद की कोई खिदमत करें तो साथ दुआ जरूर मांगे रबना तकब्बल मन्ना यानी हम बाजुकनेकी करके समझते हैं और फख्र करने लग जाते हैं कि अब तो हमारी जन्नत पक्की होगी नहीं अल्लाह पता नहीं किस क्वालिटी की थी अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं तो इंसान भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी कबूलियत का मोहताज है तो कबूलियत के लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ मेहरबानी का मामला कर इस काम को हमसे रिजेक्ट ना करना रद्द ना करना और इससे इंसान ये भी जाहिर करता है अल्लाह तेरा अदा हाँ नहीं हो सकता हमने जो हमसे हो सका हमने किया बाकी तू ही फरमा तो बात यह है कि बहुत से लोग काम करते हैं थकते हैं लेकिन वो काम कबूल नहीं होता ये भी याद रखिए कभी रियाकारी बीच में आ जाती कभी एहसान जता के जाया कर देते हैं कभी दिखावा करके जाया कर देते हैं तो इसलिए सिर्फ और फिर कभी ख़राब करके उस काम में थोड़ा अच्छा किया थोड़ा गुस्सा कर लिया बीच में थोड़ा किसी मतलब बहुत से काम मिलके भी करने बाप बेटा मिलके काम कर कभी आपके घर में बाप बेटे ने मिलके काम किया फिर क्या हुआ इख्ताम किस पे हुआ <laughs> समझ गया मेरी बात आपस में लड़ाई शुरू हो जाती मैंने तो कहा था यूं ना करो वो कहते नहीं यूं करें ये ऐसा नहीं वैसा करें वो बेटा समझता है जैसे मैं ज्यादा अकल मानू बाप कहते हैं मेरा तजर्बा ज्यादा अक्सर ऐसे छोटा सा भी काम हो कुछ ना कुछ खिच खिच हो जाती है तो अच्छा इसी तरह कोई भी टीम वर्क जो होता है ना चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो तो बाज़ात हर टीम का हर मेंबर अपने तरीके पर काम करना चाहता है नतीजा क्या होता है वो दूसरे ऊपर गुस्सा करने लगता है दीन का काम करे गुस्सा ना करें अगर कोई चीज नहीं भी पसंद आती ना अल्लाह उस बंदे पर रहम करे कि जिसको दूसरे की बात अच्छी नहीं लगी उसने उसको पी ही लिया जाहिर ही नहीं किया दरगुजर से काम लिया इस इस गुस्से के पीने का अजर कितना बड़ा है? उन जन्नतों की बशारत दी गई जिसकी जमीन और आसमान के बराबर है तो इसलिए काम करके उसको खराब ना किया करें उस उसको उसकी कबूलियत की दुआएं करते रहे ना कि उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा करें करेंत मुस्लिम रहीम ऐ हमारे रब हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक ग्रोह को अपना फर्मा बरदार बना उतम मुस्लिम मतलक क्योंकि पीछे सुन चुके थे ना सब कुछ जालिम भी होंगे और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा और हम पर मेहरबान हो जा बेश तू ही बहुत तोबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है तो आप देखिए कि सारी दुआएं मांग कर आखिर में कहतेबा कबूल कर ले तू मेहरबान रब है क्या उन्होंने कोई गुनाह किया था नहीं अल्लाह से मेहरबानी की दरख्वास्त की थी अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं हमसे कसूर होंगे लेकिन तू माफ करने वाला है क्योंकि इसतार से रहमतों बरकतों के दरवाजे खुलते हैं तो तोबा जो होती है गुनाहों से नदामत हकूक वापस करना दोबारा ना करने की नीयत करना बुरे ख्याल से भी रजू करना आमाल में कमजोरी पे तोबा करना इबादत को कामिल तरीके से अदा ना करने पर तोबा करना

और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तस्किया करे बेशक तू ही गालिब। बहुत वाला है ये इब्राहिम और इस्माइल इसमाइल की कंबाइंड आखिरी दुआ है जो यहाँ जिक्र हुई और वो कितनी जबरदस्त दुआ है सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको हमारे बच्चों को हिदायत दे या अल्लाह हिदायत देने वाला भी एक पैदा कर दे कि इनके अंदर एक रसूल भेज तो आप देखिए अः अबू उमामा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी आपके मामले का आगाज कैसे हुआ यानी अल्लाह ने आपको इतना बड़ा रुतबा दिया आपने फरमाया मैं अपने वालिद इब्राहिम की दुआ और ईसा सलाम की बशारत हूँ उन्होंने दुआ मांगी थी मेरे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना दुनिया में दीन फैलाना और जो कुछ है इसका सवाब भी किसको जा रहा है इब्राहिम सलाम और उनका हिस्सा सिर्फ दुआ का है तो दुआ की बड़ी अहमियत है अच्छी अच्छी दुआएं मांगते चले जाए जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी जिंदगी में आपकी आंखों के सामने ही पूरी हो जाए फ्यूचर के लिए दुआएं मांगें विजनरी बने फ्यूचर जनरेशन के लिए मांगे और फिर आप देखिए कि अल्लाह उनके अंदर से उठा देना किसी को जो उनको हिदायत क्योंकि होता पता क्या है किसी भी खानदान को आप देख लेना अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं फिर खुशकिस्मत खानदान वो होता है जिसमें कोई ऐसे बुजुर्ग कोई ऐसा बड़ा कोई ऐसा एनर्जेटिक होता है जो सबको लाइन पे लगा के रखता है कि नहीं कोई इधर उधर फिसलने लगता ना उसका बच्चा बिगड़ने लगा उसका फिसलने लगा वो आके थाम लेते हैं हर मुश्किल ये है कि हमें बच्चों की तरबियत के लिए सिर्फ एक सिंग माँ और बाप ही रह गए हैं चच्छा मामू खाला प्पी नानी दादी वो किरदार बीच से मिस हो गए कि जो उनकी मदद करें उनको सीधे रस्ते पर रखने में ये बड़ी जरूरी होती है ये चीज कि कोई और भी हो इसीलिए हम अब हर वक्त इमामों की मिन्नतें करते रहते हैं मेरे बच्चे से बात कर ले इसको समझा दें कभी किसी से करते हैं क्योंकि वो वो चीज मिसिंग है तो इसकी भी दुआ मांगे कि अल्लाह इन इन हमारी औलादों के अंदर ऐसे लोग पैदा करता है हमारी नस्लों में ऐसे लोग पैदा कर कि जो लोगों को हिदायत देने वाले बने और इब्राहिम की ये दुआ भी कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने तस्माईल सलाम की औलाद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस किया और फिर सिर्फ इतनी नहीं कि स्पेसिफिकली बताए क्या क्या काम करे वो सुबह उसके काम भी साथ बता दिए नंबर एक यतलू अलैहिम आयतिका कि वो तेरी आयात उनको पढ़ के सुनाए यानी लफसन, लफसन हि्स करने हिफ्स करवाने के लिए पढ़ा उनको टेक्स्ट जो है कुरान का वो खुद سنعيه وعلمه اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها और तालीम में फर्क होता है तिलावत होती सिर्फ यानी समझ के रीडिंग करना याद करने के लिए हिप्स करने के लिए जैसे हम सुबह तिलावत करते हैं या नमाज में पढ़ते हैं ये तिलावत हो तालीम टेक्स लॉन्गर टाइम क्योंकि अल्लाह बाप तफील में क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए बड़ा सबर चाहिए होता है और उसके लिए किताब के अंदर कुछ सीखना उसको समझना और उसके मानी को समझना और उसकी हमतों को जानना उसकी डेप्थ में जाना ये तालीम है और सिर्फ किताब की नहीं हमत की भी वो हिकमत क्या चीज़ है जिसकी तालीम दे ये सुन्नत है इमाम शाफी कहते हैं कि इससे मुराद सुन्नत है और फिर यानी कुरान के अलावा भी जो कुछ उतरा है उसको भी बायदा सिखाए और फिर ये भी के अः अलैहि वसल्लम ने नमाज के तरीके सिखाए हज के रोजा और इबादत के जो अल्लाह के अहमाम थे उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया तरीका सिखाया वहीजी है और इनका तस्किया करे यानी इनकी अच्छी तरबियत करे अच्छे अमाल अच्छी बातें सिखाए और बुरे से बचाए और खसूस अच्छे अखलाक की तालीम मुरा दे यानी इनके अखलाक भी अच्छे हो तस्किया जो होता है वो दिल का होता है रूह का होता है और अखलाक का होता है यानी बुरे अखलाक छोड़ दें क्योंकि आपने एक और जगह फरमाया था ना कि किस्तुल मकारिमल अखलाक और यहाँ सुन्नत की अहमियत भी पता चलती है क्योंकि सुन्नत इंसान को हिकमत सिखाती है जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई देती है कहाँ कौन सी दुआ पढ़नी है कहाँ क्या करना है और फिर और कौन है? जो मिलत से बेरगबती करे मिल्ल का मतलब है दीन तरीका उनका तरीका क्या था इस्लाम का तरीका मगर जिसने खुद को अहमक बना लिया हो बेशक हमने उसको दुनिया में भी चुन लिया और यन आखिरत में भी वो जरूर साल में से होगा ये इब्राहिम सलाम की फजीलत बयान की जा रही अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाई लिहाजा उनके तरीकों से बेरगबती इख्तियार करना उसमें इंटरेस्ट ना लेना उनसे दूर होना यह बेवकूफों का काम है किसी अकलमंद का काम नहीं कि जिस चीज पर उनको फजीलत हासिल हुई तुम वो काम ना करो दुनिया में एक आम ट्रेंड पाया जाता है के सक्सेसफुल लोगों हालात पढ़े यानी कि कौन कौन कामयाब, के, के। ताकि उनकी क्या अख्लाक थी क्या ट्रेड थे कैसे उन्होंने बिजनेस किए कैसे बिलियनर बन गए तो वो चूंकि उनके नजदीक माल कमाना ही असल कामयाबी है ना तो फिर वो माल कमाने के तरीके उनके जिंदगी से सीखते रहते लेकिन इस माल से बड़ा माल आखरत का है जिसको कमाने के लिए क्या जरूरी है अम्बिया के तरीकों पे चला जाए लिहाजा अम्बिया की कहानियां अपने बच्चों को सिख, सुनाए सिखाएं ताकि उनके अंदर शौक पैदा हो कि हम भी अल्लाह के प्यारे इसी तरह बने और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी लहू रब असलम कला असलम तुल रबालमी जब उसके रब ने उससे फरमाया फर्मा बरदार हो जा इस्लाम को भूल कर ले उसने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए फर्मा बरदार हो गया मैं मुस्लिम हो गया यानी मैं अपने रब के अहकाम की तामील करूंगा याद रखिए कि ईमान और इस्लाम जब इकट्ठे आते हैं तो अलग अलग माना होता है ईमान का ताल्लुक ईमान वाली बातों से जैसे हदीस जबरील में और इस्लाम का ताल्लुक इबादात से है लेकिन जब इस्लाम अलग आता है ईमान अलग आता है तो ईमान में इस्लाम भी दाखिल होता है और इस्लाम में ईमान भी दाखिल होता है तो यहां पर उन्होंने कहा रब जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही करूँगा आज हम देखें कि क्या हम भी अल्लाह की हर बात मानने को तैयार हैं इब्राहिम का असलाम का तरीका, तरीका तो यही है ना इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की थी और याकूब ने भी कि अ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है बस तुम्हे हरगिज मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो मरते दम तक इस्लाम को मजबूती से थामे रखना तोहीद पर इस्तेमत इख्तियार करना इसी पर खात्मा हो वस, वसीयत होती है ताकिदी नसीहत इब्राहिम ने और फिर उन्होंने अपने बेटों को उनके बेटे कौन थे और इस्माइल इसमाही दो थे और इसके अलावा भी बताए जाते हैं जिनके बारे में जिनका जिक्र आमतौर पे नहीं आता लेकिन फिर इसाकाम के बेटे याकूब थे तो अल्हमदल्ला उनकी जिंदगी में यानी कि अल्लाह सुबहान तला ने उनके बेटों को भी हिदायत दी और फिर आगे उनके पोते को भी और फिर उनसे फिर आगे जो नस्ल चली और इन सब का यही तरीका रहा कि दीन पर कायम रहो देखिए

याकूब अल मऊत इज कल अली बनी ही माताबुदी कलू नाबुदू इलाह का इलाहाबाक इब्राहिम व इसमाइल व इसहाक वाहिदा व वा नहन मुसलिमून क्या भला तुम मौजूद थे जब याकूब के पास मौत हाजिर हुई यानी मौत की अलामत जाहिर हुई याद रखी अम्बिया हों या शहदा हों दुनिया में हमेश किसी के लिए भी नहीं है। हर एक को अल्लाह की तरफ लौट के जाना है तो फिर पर भी ये वक्त आया तो जब वक्त आया तो उनकी प्रायरिटी क्या थी फिक्र किस बात की थी वसीयत और ताक़ीद क्या थी जिंदगी में दुआ मांगी औलाद के लिए मरते वक्त औलाद को वसीयत की इसी दीन पे कायम रहना आज हमारी प्रायोरिटी औलाद के बारे में क्या है हम उन्हें दुनिया में क्या बनाना चाहते हैं ठीक है वो जो भी बने क्या अल्लाह के बंदे बन रहे हैं। और फिर हमारे मरने के बाद वो क्या करें कभी हमने सोचा इस पे तवज्जो देने की जरूरत है हम सबको और यही इनका उस हसना है जब उनके पास मौत हाजिर हुई जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे उन्होंने कहा हम आपके इलाह की और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इलाह की इबादत करेंगे जो एक ही इलाह है और हम उसी के फरमा बरदार है यहां असल में यहूद के खासतौर पर यहूद के कुछ गलत ख्याल की तरदीद भी की जा रही है कि इब्राहिम ने अप मरते वक्त अपने औलाद को और याकूब ने उनको यहूदियत पे कायम रहने की, की। यहूदियत तो उस वक्त ही भी नहीं यहूदियत तो बाद की पैदावार है तो फरमाया कि नहीं अम्बिया सब का दीन इस्लाम ही था उन्होंने अपने जिंदगी में भी यानी असलम तुल रबालमीन कहा और फिर मरते वक्त भी इसी की वसीयत की और इसी की थामने की की जैसे थामाईना बिह इीमूसा व ईसा अन अकीम वकूफी उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकरर किया जिसका ताक़ीदी हुक्म उसने सलाम को दिया और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की और जिसकी वसीयत हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को की यह कि इस दिन को कायम रखो और इसमें जुदा जुदा ना होना तिल का उम्मत उनदखलत ल्हा मा कसबत वसब तुम वातुसूना अम्मा का كانوا يعملون ये एक जमात थी जो गुजर चुकी अम्बिया की एक जमात थी जो दुनिया से गुजर चुकी उसके लिए वही है जो उसने कमाया उनको क्या मिलेगा जो वो कर गए उनकी कोशिश का बदला और तुम्हारे लिए वही है जो तुमने कमाया, यानी सिर्फ अंबिया के अच्छे तस्करे ही सुन लेना काफी नहीं बल्कि उनके तरीकों पर चलना जरूरी है और तुम सवाल ना किए जाओगे उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे यहूद को अपने आबाओ अजदाद में से जो अंबिया और सालिन गुजरे उनकी नस्बत बड़ी अजीज थी कि हम फलां की औलाद हैं कहा ये खाली नस्बत फायदा ना देगी आज भी आप देखें कि हम लोग हम फलां की हमारी ये जात है, हमारी ये नस हमारी ये इन चीजों पर जो नस्बते हैं उन पर फख करते रहते हैं हम सैयद हैं हम शेख हैं हम फलां हैं फलां हैं और अमल की तरफ तोज्जो कम होती है इसी तरह और नस्बतें कुछ इंसान को खुश करती रहती हैं मैं फला जगह रहता हूँ फला मेरी नेशनैलिटी है फला मेरा काम कारोबार ये है यानी दुनिया में जिन चीज़ों से इंसान को इज्जत मिलती है और दीन के मामले में क्या कहते हैं वो मेरे दादा जो थे ना वो बड़े बहुत बड़े आलिम थे लेकिन वो तो गुजर गए वो चले गए अपने काम करके तुम क्या कर रहे हो ऐसा ना हो कि हमारे बाद हमारे बच्चे भी ये कहें हमारी दादी बड़ी नमाज पढ़ती थी और हमारी अम्मा जो थी ना वो हर वक्त यही तलकीन करती थी कि ये करो नमाज पढ़ो और नहीं जो चले गए अपने ने अमाल लेकर वो चले गए अब तुम्हें तुमसे देखा जाएगा तुम क्या कर रहे हो तो हर शख्स को वही मिलेगा जो वो कमाई करके आगे ले जाएगा तो अपने पहलों की नेकियों पर एतमाद और सहारा करना अपने आप को धोखा देना है तो क्या तक के इंसानों के लिए यही उसूल है सबकी निजात का यही जरिया है कि वो ईमान और अमल साले लाए किसी से किसी दूसरे के अमल का सवाल ना होगा कुल्ला तुस्लू ना अम्मा अजरम ना वला अलू अम्मा तामलून कह दीजिए ना तुमसे उसके बारे में पूछा जाएगा जो हमने जुर्म किया और ना हमसे उसके बारे में पूछा जाएगा जो तुम करते हो रसूल ने फरमाया जिसको उसके अमल ने पीछे कर दिया उसे उसका आगे नहीं बढ़ा सकता कौन सा खानदान अबू जहल का कौन सा था ये सब किसकी औलाद इब्राहिम की औलाद मदीना के मुनाफिकब्राहिमी की औलादे लाइनि इशारा था कि आपकी औलाद में से जालिम भी होंगे जो के, यानी इस पैगंबर की मुखालफत भी करेंगे। तो याद रखिए आबा से नस्बत फायदा नहीं देती जब तक के इंसान के अपने अमल अच्छे ना हों बल्कि वो उल्टा आबा की बदनामी का सबब बन जाता है जब किसी अच्छे खानदान से कोई ताल्लुक रखता हो कहते तुम किस तरह अक्सर आर दिलाते हैं, तुम किस खानदान के औलाद किस खानदान से ताल्लुक रखते तुम किसकी औलाद हो तुम क्या कर रहे हो र

कह दीजिए बल्कि इब्राहिम का तरीका इख्तियार करो जो यकसू था और मशरकों में से ना था क्योंकि यहूदियत और ईसाइत में तो शिरक की आमेजिश हो गई थी और इब्राहिम तो खालिस तोहहीद की तरफ दावत देने वाले थे उसी की वजह से उन्होंने सारी तकलीफें उठाई तो अल्लाह सुबहान तिरक से बेजार है हद तक शिर के जो रिकारी है दिखावा है कि लोगों को खुश करने के लिए न काम करना उसकी वजह से भी अमाल को रद्द कर देता है

और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक़ और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया और जो मूसा और ईसा दिए गए और जो दीगर अम्बिया को उनके रब की तरफ से दिया गया था उन हम उनमें से किसी एक के दरमियान कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी के फर्मा बरदार हैं तो इससे क्या पता चलता है कि तमाम अम्बिया पर ईमान लाना ज़रूरी है ठीक है आमन्ना बिल्ला अल्लाह पर ईमान वमाउन जिला इलाइना किताबों पर ईमान इला इब्राहिम से आखिर तक तमाम अम्बिया पर अव्वल अंबिया का जिक्र किया गया और फिर आखिर में मूसा और ईसा का जिक्र करके सब का जिक्र बीच में आ गया कि उन सब अंबिया पर जो कुछ नाजिल हुआ उन अम्बिया को भी और उन पर नाजुल होने वाली कुतुब को भी हम मानते हैं और हम उनमें तफरीक नहीं करते इसका क्या मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे को यह जेब नहीं देता कि वो कहे मैं बिन मता से बेहतर हूं अलैहि सलाम मछली के पेट में चले गए थे ना एक कसूर की बिना पर तो इस बिना पर उनको अपने से कम मत समझो ठीक है क्योंकि अल्लाह सुबहान उनको बुरगजीदा कर दिया था तो ये नहीं कहना चाहिए कि फला पैगम्बर का दर्जा चाहिए तो दूसरे का कम है वो अल्लाह का काम है जिसको जहां रखे हमारे ऊपर लाजिम है कि हम सब की इज़्जत करे व नहन मुसलिम और हम सब उसके फर्मा बरदार हैं हमें ये कहना चाहिए कि जिन राहों पे पैगंबर चले हम भी उसी राह के मुसाफिर हैं फिन आमनिमा आमन तुम भी इन तवलऊ इन नमा फी शिकॉक फी कहु वह समीम तो अगर वो भी ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो कौन अहले किताब ऐसा ही ईमान लाए जैसे तुम यानी साहबा ईमान लाए तो तहकीक वो हिदायत पा जाएंगे अब हिदायत का मैार क्या है सहाबा। उस तरह का ईमान उस तरह का तर्ज अमल जैसा उनका ताल्लुक था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे वो समेना वाता ना कहते थे और अगर वो मुंह फेर लें तो बेशक वो जिद में हैं नहीं मानते तो फिर उनकी मर्जी ईगो का शिकार हैं और अनकरीब उनके मुकाबले में अल्लाह जरूर आपको काफी हो जाएगा यानी ऐसे मुखालफत करने वालों की आप फिक्र नहीं करें और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है तो यहां एक मैार और एक स्टैंडर्ड दे दिया गया आज आप देखें कि हर फिर का ये कहता है कि मैं हक पर हूं मैं हिदायत पर हूं तो देखना यह चाहिए कि साहब कराम किस तरीके पर थे उनका दीन क्या था उसको जानने की कोशिश करें ओरिजिनल सोर्सेस को देखें इख्तलाफात में नहीं पड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद मेरे असहाब में से अबू बकर और उमर की पैरवी करना अम्मार की सीरत इख्तियार करना इब्न मसूद के अहद को थाम लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बनी इसराइल बहत्तर फिरकों में तकसीम हुए मेरी उम्मत तिहत्तर फिरकों पर तकसीम होगी एक फिर के अलावा बाकी सब आग में है साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन है यानी निजात पाने वाले आपने फरमाया जिस पर फर मैं और मेरे सहाबा हैं लिहाजा यही हमारी दिल यानी हमारे अंदर यही तड़प होनी चाहिए और इसी चीज की मोहब्बत होनी चाहिए कि मुझे वो तरीका इख्तियार करना है सिबगत अल्ला, मन मिन नहनु अल्लाह का रंग यानी अल्लाह का दीन अपना लो और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं यहूद नसारा का दस्तूर था कि जब वो किसी को अपने मजहब में दाखिल करना चाहते या अपने बच्चों को एक खास उम्र में पहुंचने के बाद यहूदियत या नसरानियत की तलकीन करते तो कहते कि हमने इस पर अपने मजहब का रंग चढ़ा दिया है नसारा ने उसके लिए एक जर्द पानी ईजाद किया था येलो कलर का जिसमें वो बैप्टाइज करते थे अपने बच्चों को गुसल देते थे कि अब ये क्रिश्चियन बन गया है तो अल्लाह सुबहाना ने इस बात की तरदीद करते हुए फरमाया कि असली रंग तो अल्लाह का रंग है और वो दीन इस्लाम का रंग है और उसी को इख्तियार करना फायदा मंद है लिहाजा हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम अल्लाह का रंग इख्तियार करें यानी अल्लाह के दीन का रंग हमारे जाहिर बातनी अमाल हाँ और तमाम अवकात में हम अल्लाह की इताद करने वाले हों ये ना हो कि मस्जिद में एक रंग और मार्केट में दूसरा रंग यानि दीन पर ऐसा अमल कि दीन हमारी पहचान बने आप सोचिए कि जब आप बाहर होते हैं तो कोई आपको पहचान देख के कह सकता है ये, ये मुस्लिम जा रहा है यानी दीन यानि रंग तो वो होता है ना जब किसी कपड़े पे चढ़ जाता है वो उसकी सिफत बन जाता है आप उस, उस हैं ये 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 पर्पल कलर का है यानी उसकी पहचान वही है ना अगर दो दुपट्टे तो डिफरेंट कलर्स के पड़े में हो तो आप किस चीज से पहचानते हैं कलर से पहचानते हैं तो ये कलर सिफत है ठीक है तो दीन हमारी पहचान और सिफत और आइडेंटिटी बन जानी चाहिए और जब ये सिफत बनता है तो फिर जरूरी है कि इंसान खुशी से अल्लाह की इतात करे अपने इख्तियार से मोहब्बत से अल्लाह के आगे सरे तस्लीम ख़म कर दे हती कि दीन फितरत और तबीयत का हिस्सा बन जाए ऊपर आर्टिफिशल तरीके से ना ऊपर चढ़ाया हुआ हो कि कहीं चढ़ा लिया और कहीं उतार दिया जैसे कोई यूनिफॉर्म है ऐसा ना हो बल्कि हमारी इबादत हमारे अखलाक हमारे मामलत हमारे मुँह से जो ज़बान से बातें निकलती हैं वो सारी इस बात का इजहार हो कि हम वाकई मुसलमान हैं होमन अहसन सब यानी और कोई रंग अल्लाह के रंग से अच्छा नहीं, नहीं जब तुम कोई ऐसी मिसाल देखना चाहो जो तुम्हारे सामने अल्लाह के रंग और किसी और रंग के फर्क को जाहिर कर दे तो फिर उसके कंपेयर करके देखो कि दोनों में फर्क क्या है तो बंदा मोमिन जो होता है ना उसके अंदर ईमान होता है जिससे उसका दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है और उसके आजाब उसके रब की इतात करते हैं उसके अखलाक बेहतरीन हो जाते हैं वो लोगों के लिए बेहतर मददगार बन जाता है और सिर्फ ये नहीं कि अच्छे अच्छे काम करते बल्कि घटिया अखलाक को अपने अंदर से निकाल फेंकता है यानी कॉल करार में झूठ धोखा फरेब इन चीजों से बचता है खयानत और जो जितनी भी बदअलाकी की चीजें हैं उन सब से बचता रहता है और फिर आप देखें कि आखिर में क्या है लहू आबिद हम उसकी इबादत करने वाले उसको अपना इलाह मानते हैं तो बुनियादी तौर पर यह है कि ऐसा बने कि देख कर लोगों को अल्लाह याद आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं जिनिए तुम में से बेहतरीन कौन है सहाबा ने कहा क्यों नहीं आपने फरमाया वो जिन्हें देख कर अल्लाह याद आ जाए और क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बदतरीन लोगों की खबर ना दूं साहबा ने कहा क्यों नहीं आपने फरमाया चुगली खाने वाले दोस्तों में फसाद फैलाने वाले पाक दामन लोगों में ऐब तलाश करने वाले ये बदतरीन लोग हैं कि जो सिर्फ लोगों की बुराइयां लोगों की खामियां कमजोरियां उन्हीं को चुनते रहते हैं उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करते रहते हैं कभी कोई किसी के सामने तारीफ करते ना किसी तीसरे की तो हाँ हाँ ठीक है लेकिन उसमें यह भी है कि उसी वक्त उसको गिराएंगे तो ये बदतरीन से बात में से है इससे परहेज करने की जरूरत है फिल्लाहू अरबुना व रबुकुम वा आ मालुना वला कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है और हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं और हम उसी के लिए मुखलिस हैं वो लहू मुखलसून यानी हर हाल में रब के साथ खालिस हैं यानी रब के लिए सिंसियर हैं क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जिसमें इखलास होता है अम तू न इब्राहिम व व इसहाक व याकूब अवल असबा तुल्लाम शहादत इन दिन वमला अम्मा तामलून या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इसमायल और इसहाक़ और याक़ूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो इस गवाही को छुपा ले जो अल्लाह की तरफ से उसके पास आई है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे हरगिज़ गाफिल नहीं यहां अहले किताब की तरदीद की जा रही हो ऐहले किताब की तरदीद की जा रही है यानी तुम कहते हो कि अम्बिया और उनकी औलाद यहूदी या नसारा थी अल्लाह तला इसकी नफी फरमाता है और फिर फरमाता है कौन ज्यादा रखता है अल्लाह ज्यादा जानता है या तुम तुम्हें मालूम है कि अम्बिया का दीन फिर का वाराना दीन नहीं था उनका दीन इस्लाम था और तुम्हारे किताबों में नबी की निशानियाँ मौजूद हैं लेकिन तुम उन निशानियों को छुपा कर एक बहुत बड़े गुनाह का इतकब कर रहे हो सबसे बड़ा जुल्म यह है कि जिसके पास गवाही देने की कोई चीज़ हो वो उसको छुपा जाए तिल का उम्म तुम कदखलत लहा मा का सबत वाला कुमां का सब तुम वाला तुस अलू नमा कानू या मलून ये एक जमात थी जो गुजर चुकी उसके लिए वही है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वही जो तुमने कमाया और तुम सवाल ना किए जाओगे उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे इस आयत में दोबारा तमबी फरमा दी गई है कि निजात का ताल्लुक तो अपने ईमान और अमल के साथ है अपनी कमाई पर है अगर निजात चाहते हो तो अंबिया और सालिन जैसा अमल करो वरना महज उनकी तरफ नस्बत करके और उनकी करामते और मोजे बयान करके फायदा ना होगा वो एक जमात ही गुजर चुकी है जो उनके लिए उनके लिए वो जो उन्होंने किया तुम्हारे लिए क्या जो तुम्हारा अमल है तो बात अमल की है और हम सबको भी इसकी नियत भी करनी चाहिए दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक اللهم وبحمدك अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिर्क व अतूब इलैक अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू اقراو सूरतुल बकरा फैन अख्धहा बरका وترکहा حسره ولا تستطيعها البطله